हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एचआर क्लासेस। मैं पवन सर, आज आपको मैं इस वीडियो में 2 मार्च को होने वाले इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए मैं प्री बोर्ड की ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट कराऊंगा और नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में आपको लिटरेचर पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा। तो लेट्स कम। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉरनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड। देखिए, इसमें क्वेश्चन है पहला कि अ फॉरनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड, वह विदेशी जो किसी देश में आकर के बस जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट, चार ऑप्शन है, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, एलियन और विजिटर। तो वह विदेशी जो किसी देश में आकर के बस जाता है उसे कहते हैं इमिग्रेंट, अप्रवासी, और जो अपने देश का हो और कहीं और जाकर के बस जाए उसे कहते हैं इमिग्रेंट। और एलियन माने होता है विदेशी, और विजिटर माने आगंतुक या मिलने वाला। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू डाई इन हार्नेस मीन्स, टू डाई इन हार्नेस मीन्स, ये पूछा है टू डाई इन हार्नेस का मतलब क्या है। तो टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कर्तव्य पालन करते हुए मर जाना। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है आपका सी, टू डाई वाइल इन सर्विस, वाइल इन सर्विस। कभी कभार क्या होता है, ऐसे आपको कोई इडियम फ्रेज दे देगा तो आप उसे कहेगा कि इस पर एक सेंटेंस बनाइए। तो डाई इन हार्नेस मीन्स होता है कर्तव्य पालन करते हुए मर जाना। तो आप सेंटेंस बना सकते हो कि भगत सिंह डाइड इन हार्नेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीमा आया है सिनोनिम, सिनोनिम्स ऑफ बैन, बैन का सिनोनिम्स क्या होता है? तो बैन मीन्स होता है अभिशाप। तो उसका क्या हो जाएगा? एक तो इसका जो ऑप्शन है वो बैनिस है, नेक्स्ट बैनर है, थर्ड कर्स है, और नेक्स्ट है आपका बैन। तो बैन मीन्स क्या होता है? अभिशाप। तो अभिशाप का क्या हो जाएगा? कर्स। कर्स माने भी क्या होता है? अभिशाप। बैनिस माने क्या होता है? देश निकाला देना। बैनर मीन्स प्रतिबंध लगाने वाला, और बैन मीन्स प्रतिबंध लगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस सेंटेंस में वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो सेंटेंस है आपके सामने इसमें क्या गलती है। तो इसमें जो एरर है वह है कैटल में, ये जो एस जोड़ दिया ये एस की गलती है, कैटल्स की बजाय क्या होगा? कैटल। ध्यान रखें, कैटल है, पीपल है, पुलिस है, पब्लिक है, जेंट्री है,
ये सारे वर्ब्स खुद में ही प्लूरल होते हैं, तो इनके अंत में एस लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आप एस लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कैटल्स में एस हटा देंगे तो बाकी सेंटेंस सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट है आपका, माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन डोंट लाफ एट द ओल्ड बैगर। मतलब पिताजी ने मुझसे कहा कि कभी बूढ़े गरीब पर, सॉरी भिखारी पर मत हंसो। तो इसका इनडायरेक्ट होगा, ये जो सेंटेंस है वो है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। तो आपको पता होगा इम्परेटिव सेंटेंस की जब पैसवेज बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आर एस रिपोर्टेड स्पीच के बाकी के भावानुसार बदला जाता है। तो और उसमें यह है कि यदि आपका सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो रहा हो, यदि आपके आर एस का वाक्य डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में दो तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है। और दोनों तरीके किस तरीके से हैं देख लीजिए आप। माई फादर एडवाइज मी नॉट टू, डू को हटा दिया जाता है, नॉट को लिख करके उसके बाद टू लगा देते हैं, नॉट टू लाफ एट द ओल्ड बैगर। एक तो आपका ये तरीका है। नेक्स्ट है, माई फादर फोरबेड मी टू लाफ एट द ओल्ड बैगर। देखिए, यदि रिपोर्टिंग ऑफ सैड को आर एस के बाकी के भाव अनुसार बदलते हैं तो हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग सैड को एडवाइज रिक्वेस्टेड ऑर्डर में बदल करके क्या करेंगे, यहाँ पर डू नॉट को उठा करके नॉट टू लगाते हैं। जबकि नेक्स्ट सेंटेंस में क्या होता है, डू नॉट को कंप्लीट हटा देते हैं और सैड को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। तो फॉरवर्ड में बदल करके क्या करते हैं, डू नॉट को पूरा उठा करके सेंटेंस बना दिया जाता है। तो आई होप आपकी ये दोनों ही सेंटेंस आपके समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस होगा, ये है आपका, द एनिमी वाज, द एनिमी वाज अप्रोचिंग अप्रोचिंग द न्यूज अलार्म्ड अस, जो शत्रु थे वो नजदीक पहुंच रहे थे, इस सूचना ने, इस समाचार ने हमें क्या कर दिया, सचेत कर दिया। इसका पूछा उन्होंने कॉम्प्लेक्स। देखिए, सेंटेंस वाक्य रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होता है वो सबॉर्डिनेट क्लॉज की सहायता से बनाया जाता है, और सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है तुम्हारी तीन प्रकार की, नाम क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इसकी जब भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे तब हम आपको इसे स्पष्ट रूप से बताएंगे व्याख्या करके। तो फिलहाल आप इसे समझ सकते हैं, द एनिमी वाज अप्रोचिंग सॉरी द न्यूज दैट
एनिमी वाज अप्रोचिंग अलार्म्ड अस, अलार्म्ड अस, इसका मतलब क्या हुआ? द न्यूज व समाचार दैट कि द एनिमी वाज अप्रोचिंग, जो शत्रु है वो हमारे नजदीक पहुंच रहे हैं, इसने हमें क्या कर दिया? सचेत कर दिया। नेक्स्ट है आपका द लॉयन वाज बाउंडेड लॉयन वाज बाउंडेड, इट वाज नॉट किल्ड, इट वाज नॉट किल्ड। इस सेंटेंस का उन्होंने कहा है कि इसका बनाइए कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कुछ ट्रिक बताता हूं आपको कि वो सारे वर्ड्स को आपको याद रखना है जिसकी सहायता से आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, बट आल्सो, एज वेल एज, और नाइदर नॉर बट वाइल सो ईटीसी। और हु होम व्हेन वेयर व्हाई दैट। देखिए ध्यान दीजिए, इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? कंपाउंड सेंटेंस, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमें सबसे पहले उस जितने भी सेंटेंसेस हैं उनका हमें हिंदी में अर्थ निकालना है। यदि आप हिंदी में अर्थ निकाल लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो कंपाउंड सेंटेंस जो बनाना होगा वो इजी हो जाएगा। जैसे ये सेंटेंस कह रहा है कि द लॉयन वाज बाउंडेड इट वाज नॉट किल्ड, मीन्स जो शेर था वो घायल था, इट वाज नॉट किल्ड, किंतु वह मारा नहीं गया, तो खुद ही इसमें क्या वर्ड आ रहा है? बट। तो इस तरीके से आप आसानी से निचोड़ सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि आप दो या दो से अधिक जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए उनकी पहले हिंदी निकालें और फिर बाकी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। इसमें एक और वर्ड होता है अदरवाइज, अन्यथा, अदरवाइज, अदरवाइज मीन्स होता है अन्यथा। और ये आपके हैं रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, इनकी सहायता से भी क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। फिलहाल आप इन सब में से सिर्फ एंड को यूज कर सकते हैं और नाइदर नॉर बट वाइल सो अदरवाइज और ये सारे वर्ड्स हैं। वैन का कब करना है? जब टाइम की बात हो। जो वैन आती है, यदि फर्स्ट वाला सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड टाइम है तो वैन का यूज करना है, अगर कोई प्लेस है तो वेयर आता है, अगर कोई रीजन है तो रीजन के लिए क्या आता है? वाई, और कोई निर्जीव चीज है तो उसके लिए क्या लगा देंगे? दैट, और बिच का भी यूज करते हैं, वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आपको। होम ये लाइफ फुल के लिए होता है लेकिन ये ऑब्जेक्ट होता है हु का, और ये होता है आपका सब्जेक्ट। चलिए पहले हम इनके लिए एक एक एग्जाम्पल और समझाते हैं कंपाउंड के, ताकि आपकी समझ में बेहतर तरीके से आ सके। देखिए राजू इज नॉट ए बैड बॉय,
नॉट ए क्लेवर बॉय। देखिए, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय यह ध्यान रखना है कि यदि दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में हो तो उसे किससे जोड़ते हैं, नाइदर नॉर से। तो देखिए दोनों सेंटेंस में क्या है, नॉट है, तो इसे किससे जोड़ देंगे, नाइदर नॉर से। कैसे जोड़ेंगे, राजू इज नाइदर ए बैड बॉय नॉर क्लेवर बॉय। ए बैड बॉय नॉर क्लेवर बॉय, या आप एक ही बॉय का यूज लास्ट में कर सकते हैं। राजू इज नाइदर ए बैड एंड नॉर क्लेवर बॉय। तो जो चीज डिफरेंट होती है उसी को क्या करते हैं, नाइदर नॉर से जोड़ा जाता है। तो आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझाते हैं आपको। अब देखिए आपको समझाते हैं, बट का हो गया है, सो का देखिए, डू डोंट डू मीन्स करो या मत करो, तो क्या आ रहा है, या। तो या के लिए क्या लगाते हैं, और। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल तरीके का अगर पूछो तो ये याद रखें कि यदि पीछे वाले सेंटेंस में ही डू नॉट आ रही हो, नॉट का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो क्या करना है, और से उसे जोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब इनका देख लीजिए जरा। आई सो ए गर्ल, सी वाज बैगिंग। मैंने एक लड़की देखी, वह भीख मांग रही थी, तो इसे जोड़ा जाएगा, आई सो अ गर्ल हु वाज बैगिंग, जो क्या कर रही थी, भीख मांग रही थी, बैगिंग। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप क्या है, तुम कह सकते हो, टेल मी द टाइम व्हेन विल यू कम, तो इससे जुड़ जाएगा, आई वेंट टू आगरा वेयर आई सो द ताज, आई नो द रीजन वाई सी डिड नॉट कम। तो ये क्या करना है आपको, कंपाउंड में पहले सेंटेंसेस की क्या करनी है, हिंदी निकालनी है, फिर उसके हिसाब से जो भी आपका कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का जो वर्ड होगा एप्रोप्रिएट, उसी को उसके साथ रख देना है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका, तो आई होप आपकी समझ में कंपाउंड आ गया होगा। कंपाउंड के लिए जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन वर्ब्स जो बताए हैं उनकी सहायता से आप उन्हें दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, हिंदी निकालनी है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है, सी इज टू बीक टू गो टू द हॉस्पिटल। फॉर मेडिसिन, फॉर मेडिसिन। यह देखिए इसमें कहा गया है रिमूव टू, क्या बोला गया है, रिमूव टू। तो देखिए ये जो सेंटेंस है वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन को हम समझाते हैं किस तरीके से करते हैं। इसमें दो टू आते हैं, ये वाली होती है एडवर्ब और ये होती है आपकी इन्फाइनाइटिव, इन्फिनिटिव कह सकते हैं आप इसे। देखिए कैसे करते हैं, सी इज, इस टू को बदलते हैं सो में, कभी कभार इसे बैरी में भी बदल दिया जाता है, नो प्रॉब्लम,
इनफ में भी बदल दिया जाता है, बट फिलहाल आपको क्या याद रखना है, सो बीक की बीक रहेगी, इस टू की जगह यहां लगाते हैं दैट। अब दैट के बाद क्या करेंगे, दैट कंजक्शन के बाद फर्स्ट वाक्य में जो सब्जेक्ट आया है उसी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर उसका प्रोनाम रख देंगे। ओके अगर यहाँ किसी लड़की का नाम होता तो सी आ जाता, अगर लड़के का नाम होता तो ही आ जाता। ओके अगर कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को क्या कर देना है, सेम पुट कर देना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि प्रथम जो क्लॉज है, फर्स्ट जो वाक्य है, यदि वह प्रेजेंट या फ्यूचर है तो यहाँ यूज कराएंगे हम कैन नॉट। यदि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस है तो डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, फ्यूचर में है तो विल नॉट, शैल नॉट का यूज कर सकते हैं। ओके तो कैन नॉट गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, फॉर मेडिसिन। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसे समझाता हूं। चलिए इसे मिटाते हैं पहले। पीहू वाज टू लिटिल टू प्ले। अब इस सेंटेंस में देखिए, पीहू वाज टू को किसमें चेंज करना है, सो में, लिटिल की लिटिल यहां क्या लगाते हैं, दैट। अब पीहू क्या है, कोई फीमेल है तो क्या लगा देंगे, सी। अभी क्या बताया था मैंने कि यदि प्रथम वाक्य प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो कैन नॉट, डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट, शैल नॉट का यूज करते हैं। यदि ये पास्ट में है तो यूज करते हैं कुड नॉट का, डिड नॉट का और वुड नॉट का। तो हम क्या लगा देंगे, कुड नॉट, प्ले की प्ले। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। दोबारा समझ लें, पीहू की पीहू ये जो होगा वो सेम रहेगा, टू को सो में बदल देंगे, जो यहाँ एडजेक्टिव होगा वो सेम रहेगा, टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, दैट। अब क्या करेंगे, दैट के बाद जो फर्स्ट क्लॉज का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन रखेंगे, ये पीहू है तो सी लगा दिया। अब क्या करना है आपको, प्रथम वाक्य को ये देखना है कि ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट और पास्ट में है तो कुड नॉट लगाते हैं, तो कुड नॉट लग गया और जो वर्ब है उसे वर्ब को लिख देते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसके लिए जो विस्तृत जो वीडियो है वो नेक्स्ट आगे बढ़ाई जाएगी, फिलहाल आपका ये रिविजन कराया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। अब दुकान को बंद करने का समय हो गया है और इसका पूछा है उन्होंने पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, देखिए ध्यान दीजिए, यदि कोई वाक्य इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज वेरी टाइम, इट इज मस्ट टाइम किसी से भी अगर प्रारंभ हो रहा हो तो सीधा सीधा यहां तक उतार दीजिए। ओके तो इट इज टाइम के बाद आपको लगाना है अपनी तरफ से फोर, लग गया। फिर क्या करेंगे आप, नाउन को लेकर के आएंगे जो ऑब्जेक्ट होगा, तो फॉर द शॉप, इट इज टाइम फॉर द शॉप। फिर क्या लगाना है, टू की टू रहेगी, टू के बाद क्या लगाना है अपनी तरफ से बी और क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। दोबारा समझ लीजिए, यदि कोई वाक्य इट इज टाइम से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इट इज टाइम आपको लगाना है, देन फोर, फिर क्या करना है ऑब्जेक्ट को उठा करके ले आइए, ऑब्जेक्ट रख देना है, फिर टू, टू के बाद बी लगा करके जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लिख देनी है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका, बी शुड नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ ए फॉल्स फ्रेंड्स। हमें किसी झूठे मित्र की सलाह
को नहीं सुनना चाहिए। इसमें उन्होंने एरर पूछी है कि व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस। तो क्या एरर होगी, ये हमेशा याद रखें, लिसन के बाद, टॉक के बाद हमेशा किसका यूज होता है, टू का। तो यहाँ क्या होगा, बी शुड नॉट लिसन टू द एडवाइस ऑफ ए फॉल्स फ्रेंड। यहाँ भी याद दे दीजिए, ध्यान दीजिए जरा, एडवाइस, और एक ये भी एडवाइस होती है। इस एडवाइस, ये क्या है, वर्ब है आपकी और ये है आपका नाउन। यदि ये दोनों वर्ड आपके लिए होमोनिम्स के रूप में पूछे जाएं, और आपसे पूछा जाए कि दोनों ही सेंटेंस पर क्या बनाना है, दोनों ही सॉरी दोनों ही वर्ड्स पर क्या बनाना है, एक एक सेंटेंस बनाना है, तो क्या करेंगे, एडवाइस माने क्या होता है, सलाह देना, और इस एडवाइस में क्या होता है, सलाह। तो इसके लिए बनाएंगे कि डॉक्टर एडवाइज मी, और इसके लिए क्या होगा, डॉक्टर गेव मी एडवाइस। ये नाउन की तरह यूज होगा, ये वर्ब की तरह। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहां एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस और एक्सेस, ये दो वर्ड हैं आपके, एक्सेस और ये कहा है, ये आपके हैं दो वर्ड दिए हुए हैं, इनकी प्रोनंसिएशन लगभग सेम है, बट मीन क्या है इनका, बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है, और इन पर आपको क्या करना है, एक एक सेंटेंस बनाना है। तो एक्सेस मीन्स क्या होता है, पहुंच, और एक्सेस मीन्स क्या होता है, अधिकता या अधिक। तो कैसे कैसे सेंटेंस बनाएंगे, द वेल्दी वेल्दी पीपल हैव एक्सेस टू द गवर्नमेंट। धनी लोगों की सरकार तक पहुंच होती है। इसके लिए क्या बनाएंगे, द एक्सेस ऑफ एनीथिंग, द एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, मीन्स किसी भी चीज की अधिकता गलत होती है, खराब होती है। तो आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही दो वर्ड देगा आपको, और दोनों की जो प्रोनंसिएशन होगी लगभग सेम होगी, बट जो मीन होगा वो क्वाइट डिफरेंट होगा, और आपसे वो पूछेगा कि मेक योर ओन सेंटेंस क्लियरिंग इट्स मीन। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, और आप आसानी से इस पर एक एक सेंटेंस बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, गवर्नमेंट बाय द रिच, ऐसा देश जहां पर अमीरों के द्वारा सरकार की जाती हो या सरकार चलाई जाती हो, उस स्थान को क्या कहेंगे। देखिए, एक है आपका ऑप्शन में एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी हो गया, एक प्लूटोक्रेसी, नेक्स्ट है आपका ब्यूरोक्रेसी, क्रेसी, और फोर्थ है आपका ऑटोक्रेसी, और एक और लिख लीजिए आप डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। तो आप समझिए जरा इनको। चलिए, आपके लिए वोकैब याद करने का एक रूट वर्ड बता देता हूं। इसमें एक जो क्रेसी वर्ड है, क्रेसी मीन्स होता है शासन या सत्ता, शासन या सत्ता, ठीक है। तो जहां पर अमीरों के द्वारा सरकार चलाई जाती हो, देखो समय कृषि लगा हुआ है शासन करना या सरकार चलाना, तो जहां अमीरों के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी। और अरिस्टोक्रेसी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बाय नोबल पीपल, सज्जन लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे कहते हैं अरिस्टोक्रेसी, मीन्स कुलीन तंत्र। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स, ओके। तो
तो जहां अफसरों के द्वारा सरकार चलाई जा रही है उसे क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेसी। और एरिस्टोक्रेसी क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बाय वन पर्सन हु हैज ऑल पावर, तो उसे क्या कहेंगे? एरिस्टोक्रेसी। और गवर्नमेंट बाय द पीपल तो वो क्या कहलाएगा? डेमोक्रेसी। ठीक है, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो इन रूट वर्ड्स की सहायता से आप वोकैब याद कर सकते हैं। आगे देखिए, डायरेक्ट नायरेक्ट है आपका, द सोल्जर सैड हुर्रा बी हैव वॉन द बैटल, बी हैव वॉन द बैटल, हम युद्ध जीत चुके हैं। यहाँ सोल्जर्स हैं तो कैसे करेंगे? द सोल्जर्स, अब आपको पता है ये जो आरएस का जो वाक्य है, हुर्रा अलास ब्रेवो बेल्डन, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो किस में आते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो उसकी इनडायरेक्ट कैसे बनेगी? द सोल्जर्स एक्सक्लेम्ड विद, अगर यहाँ हुर्रा आता है तो लिखते हैं जॉय या हैप्पीनेस, यदि यहाँ अलास आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो या सैडनेस, यदि यहाँ पर ब्रेवो या बेल्डन आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विद प्रेज या अप्रोच भी लगा सकते हैं, जॉय दैट। जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हुर्रा अलास ब्रेवो बेल्डन इन शब्दों को हटा दिया जाता है, क्योंकि एक्सक्लेम्ड विद यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो इसको क्या करेगा? क्लियर करेगा, इसलिए इन शब्दों को हटा दिया जाता है। दैट बी फर्स्ट पर्सन है, आई और बी फर्स्ट पर्सन होते हैं, और फर्स्ट पर्सन को चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो बी क्या है? हमारा प्लूरल है, और सोल्जर्स भी क्या है आपका? प्लूरल। तो किसमें चेंज हो जाएगा? दे में। हैव को हेड में चेंज करेंगे, बॉन द बैटल की बॉन द बैटल। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। यदि ऐसे यहां पर अगर होता द सोल्जर्स सैड अलास बाकी यहाँ सेंटेंस होता जो कि वो अपना दुख व्यक्त कर रहे होते, तो क्या करते आप? द सोल्जर्स एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ओके, तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट गेट प्रमोशन, प्रमोशन। देखिए इस सेंटेंस को बनाना है आपको सिंपल सेंटेंस। देखिए यदि इसी सेंटेंस को वो कह देता कि कंपाउंड बनाना है तो आप कैसे बनाते? कि यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें अवश्य कठोर परिश्रम करना चाहिए, यू विल नॉट गेट प्रमोशन, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। इट मीन्स यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे तो तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। कॉम्प्लेक्स में हो जाता इफ यू मस्ट, सॉरी कंपाउंड में देख लीजिए, यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट गेट प्रमोशन, और सिंपल में क्या होगा? यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट प्रमोशन। सिंथेसिस जिसमें विशेषकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, कॉम्प्लेक्स को भी सिंपल को भी कंपाउंड तीनों को ही एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझ लीजिए, अगर यही कंपाउंड में होता तो क्या लगा देते? अदरवाइज, अन्यथा तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। और ये किसमें पूछा है? सिंपल। और सिंपल जो सेंटेंस बनाया जाता है वो आठ तरीके से बनाया जाता है। सिंपल सेंटेंस कितने तरीके से बनाया जाता है? आठ तरीके से। तो ये वाला जो है वो इन्फिनेटिव टू के सहायता से बनाया गया है, इन्फिनेटिव टू की सहायता से, कि
यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट प्रमोशन, तुम्हें प्रमोशन पाने के लिए कठोर परिश्रम अवश्य करना चाहिए। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सन सेट्स इन द बेस्ट, द सन सेट्स इन द बेस्ट, इट इज अ फैक्ट। फैक्ट, देखिए ये सेंटेंस बनाना है हमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, द सन सेट्स इन द बेस्ट, इट इज अ फैक्ट। तो क्या करेंगे, इट इज अ फैक्ट दैट द सन सेट्स इन द बेस्ट, सेट्स इन द बेस्ट, ये होगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो नेक्स्ट बताते हैं आपको, नेक्स्ट देख लीजिए, सेंटेंस है आपका, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। अब इस सेंटेंस को बनाना है आपको, कॉम्परेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में है, इसे कॉम्परेटिव डिग्री में क्या करना है, चेंज करना है। तो इसके लिए दो ट्रिक हैं और दोनों ट्रिक को मैं आपको समझा देता हूँ, दोनों ट्रिक देख लेना आप, पहले फर्स्ट ट्रिक समझाते हैं देन दूसरी वाली समझाएंगे। देखो पहली ट्रिक क्या हुई, टी का मतलब पॉजिटिव, सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, नो अदर, प्लस यहाँ आएगा नाउन, और फिर वी का मतलब वर्ब, प्लस एज या सो, प्लस यहाँ होगा एडजेक्टिव या एडवर्ब, प्लस एडजेक्टिव सॉरी एज, प्लस यहाँ रहेगा आपका नाउन या प्रोनाउन। जब इसका कंपेयर डिग्री बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जब पॉजिटिव की कंपेयर डिग्री बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नाउन या प्रोनाउन, एन का मतलब नाउन, पी का मतलब प्रोनाउन, प्लस जो वर्ब होगी अकॉर्डिंग इसके आ जाएगी, प्लस क्या होगा सी डी मीन्स कंपरेटिव डिग्री, फिर देन लगाएंगे टी एच ए एन, टी एच ई एन नहीं, टी एच ए एन, टी एच ए एन के बाद लगाएंगे एनी अदर, क्या लगाएंगे एनी अदर प्लस नाउन, ये हो जाएगा आपका कंपरेटिव डिग्री। एनी अदर के स्थान पे एक और वर्ड आता है ऑल अदर, यदि आप ऑल अदर लगाते हैं तो यहां बढ़ आएगा प्लूरल नाउन। ओके, सुपर डिग्री कैसे होगी इसकी, कॉम्परेटिव डिग्री प्लस सुपर डिग्री दोनों का कर्ता क्या होता है, समान होता है, तो एनपी मीन्स नाउन और प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस द प्लस एसडी सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन रहेगा। तो देखिए पॉजिटिव की जो कीवर्ड है वो है आपका नो अदर, और कॉम्परेटिव डिग्री में जो कीवर्ड है वो है आपका एनी अदर प्लस नो अदर और सॉरी ऑल अदर, और सुपर डिग्री जो होगी वो सिंपल तरीके से बनेगी। तो ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, उसका क्या बनाना है, हमें कॉम्परेटिव डिग्री बनाना है। तो हमें अभी देखा है कि सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव डिग्री दोनों का कर्ता क्या रहता है, समान रहता है, तो कोलकाता की कोलकाता इज बिगेस्ट की क्या हो जाएगी कॉम्परेटिव डिग्री, बिगर, और बिगर के बाद क्या है देखिए देन, देन के बाद क्या मांग रहा है वो एनी अदर, तो एनी अदर नाउन आएगा, फिर ये नाउन क्या है सिटी इन इंडिया। तो आप वीडियो को पॉज करके ये वाली ट्रिक लिख सकते हैं, और इस ट्रिक में क्या करना है आपको, ये जो कीवर्ड है ये कीवर्ड याद रखने हैं, इनकी सहायता से आप आसानी से पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री आसानी से बना सकते हैं। यदि इसी के हम पॉजिटिव डिग्री बनाए तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसे मिटा देते हैं पहले,
देखिए ये बनेगी नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिगेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, बिग एज, या सो भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं। एज एज वैसे आता है पॉजिटिव में, पॉजिटिव सेंटेंस में, और सो एज आता है नेगेटिव सेंटेंस में। यहाँ आप एज सो कोई भी लगा सकते हैं। तो नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता। तो ये रही आपकी तीनों डिग्री, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो इसकी एक और ट्रिक है, वो वाली ट्रिक और बता देते हैं, जिससे आप आसानी से अगर डिग्री का कोई भी सेंटेंस आता है चेंज करने का तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रहेगा आपका, देखिए दूसरी ट्रिक है पी वाली, पी मीन्स पॉजिटिव, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस वर्ब भी प्लूरल रहेगी, वर्ब एज एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस एज प्लस एनपी मीन्स नाउन या प्रोनाउन। कॉम्परेटिव डिग्री में क्या होगा, उसे पहले ले आएंगे नाउन प्रोनाउन को, तो जब पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले आएंगे, तो नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस सीडी मीन्स कॉम्परेटिव डिग्री। उसके बाद आएगा देन प्लस मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन, और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या होगा, एनपी प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस वन और द प्लस एचडी सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन। ये रही आपकी नेक्स्ट ट्रिक डिग्री की। देखिए इसमें कीवर्ड है आपका वेरी फ्यू पॉजिटिव में, कंपेरेटिव में कीवर्ड है आपका मोस्ट अदर, और सुपरलेटिव में कीवर्ड है आपका वन ऑफ द। तो आप अगर वन ऑफ द आ जाए, अगर सुपर डिग्री आती है तो वन ऑफ द के साथ आती है, आप समझ सकते हैं उसकी कॉम्परेटिव बनानी है तो क्या आएगी मोस्ट अदर, और पॉजिटिव अगर बनानी है तो क्या आएगी वेरी फ्यू। जैसे उसमें पॉजिटिव में नो अदर था, कंपेरेटिव में एनी अदर ऑल अदर था, ऐसे इसमें वेरी फ्यू मोस्ट अदर और वन ऑफ द होता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, पॉजिटिव वेरी फ्यू सेल फोन्स आर एज कॉस्टली एज आईफोन। देखिए आईफोन, तो उसकी अब क्या बनानी है हमें, कंपैरेटिव डिग्री। तो हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले आईफोन को ले आएंगे, आईफोन इज कॉस्टली की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, कॉस्टलियर, कॉस्टलियर, कॉस्टलियर। देन अब देखिए यहां पर मोस्ट अदर हो गया प्लस प्लूरल नाउन, तो क्या हो जाएगा सेल फोन्स, सेल फोन्स मीन्स आईफोन इज कॉस्टलियर देन मोस्ट अदर सेल फोन्स। सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी इसकी, आईफोन इज वन ऑफ द, वन ऑफ द कॉस्टली की सुपर डिग्री होगी आपकी कॉस्टलीएस्ट, कॉस्टलीएस्ट सेल फोन्स, सेल फोन्स। ये हो गई आपकी सुपरलेटिव डिग्री। और एक चीज भी याद रखें, वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा किस में आता है, प्लूरल में आता है। तो आई होप आपकी ये समझ आ गई होगी, और यदि किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में जाएं और उसमें अपनी समस्या या डाउट को लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।